अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कौन हो तुम? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्यों किया भाभी के साथ ऐसा तुमने? बोलो, तुमने क्यों किया ऐसा? बोलो। लड़ो और लड़ो, क्योंकि ये लड़ाई जरूरी है मेरे आगे के प्लान के लिए। पर हम मानते हैं हमसे गलती हुई, अब तो क्या करें? मर जाए, जान दे दे अपनी, तू नहीं बचाएगा हम। गलती एक क्षण में होती है, एक दिन में होती है, और आपका रिश्ता सालों से है। गलती कैसे कह सकते हैं इसको आप? ये पाप है, ये गुनाह है, आप गुनहगार हैं भैया। कैसे बोल सकते हैं कि गलती हो गई और यहां बड़ी बेशर्मी से अपने ही बच्चे की गोद भराई देख रहे हैं? वाह भैया वाह। आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, एक औरत को धोखा देकर दूसरी औरत दूसरी के पेट में बच्चा करके उसी औरत को अपने छोटे भाई की दुल्हन बनता देखकर बड़ी बेशर्मी से खड़े हैं आप। वाह भैया वाह। आप कवि है ना, कविता लिखते हैं ना आप, लेकिन भावनाओं में नील पटे सन्नाटा जीरो। देख तरफ, मैंने जो गलती की है, जो पाप किया है ना मैंने, उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। हर दिन भुगतता हूं, हर घंटे भुगतता हूं, हर मिनट भुगतता हूं, हर सेकंड भुगतता हूं, रोज भुगतता हूं मैं वो सजा। पूरा परिवार जानता है मेरी गलती के बारे में। पर रही बात इसकी कि मैं अवस्था के बच्चे का बाप हूं ना, तुझे पूरी कहानी पता ही कहां है। आधा सच पता है तुझे ध्रुव, आधा सच बस सब जानता है तू। उसने आज तक क्या किया जानता है तू? उसने मैंने सिर्फ सिर से प्यार किया है। हाँ ध्रुव जी, सिर्फ सिर से प्यार किया था, और कसम से मुझे सच में नहीं पता था कि सिड आपका भाई है। जब मैं इस घर में आपके साथ आई तब मुझे पता चला, लेकिन फिर समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। झूठ मत बोलिए बसरा जी। हमको आप खुद कमरा में बताइए ना, हा? सब कुछ सच बताइए ना आप हमको। अरे ध्रुव भैया को तो आप माध्यम बनाए इस घर में आने का, इनको हासिल करने के लिए, नहीं बोली थी आप हमको? बताई सबके सामने सर। नहीं नहीं ध्रुव जी, पचला अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, किसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम बस इतना जानते हैं कि आप सबने हमें धोखा दिया है। किसी ने भी जरूरी नहीं समझा कि हमें सच बताया जाए, किसी एक इंसान ने भी नहीं। मैं बताने वाली थी ध्रुव जी आपको, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा थी कहीं अगर मैंने आपको सच बता दिया तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे अब तुमने रिएक्शन देख लिया ना इनका, अच्छा लगा तुम्हें रिएक्शन? अच्छा हुआ हमारी शादी नहीं हुई चला, वरना अगर हमें बाद में सब पता लगता ना तो पता नहीं हम तो क्या करते। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आपको जो करना है करिए, जिसकी गोद भराई करनी है करिए, जिसको बच्चा पालना है पालिए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आप सब से कोई लेना देना नहीं है। अम्मा बेटा सुन, हम परिवार है ना बेटा,
ध्रुव भैया इससे मत बोलिए। ध्रुव मेरे भाई देख घर छोड़। अरे बस कीजिए आप लोग, भगवान के लिए बस करिए। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपने हमेशा अपने बारे में सोचा है। अगर आप सबको इस बच्चे के बारे में पता था तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस बच्चे के बारे में सोचिए और प्लीज हमें माफ करिए आप सबके सब। ध्रुव ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते बेटा। ध्रुव खोल दरवाजा। चौबीस घंटे मिल गया ना आपके मन को शांति। ध्रुव भैया जो कुछ भी किए हैं आपकी वजह से ना, आपके सैतानी दिमाग का उपज है ना ये। हाँ कहा था ना मैंने तुमसे कि कहानी का पहला सीन दिखाऊंगी। दिखा दिया कहानी का पहला सीन दिखा दिया मैंने, और ये तो बस शुरुआत है पूर्णिमा। अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, आगे तो और धमाका होगा। मुझे क्या देख रही हो? वहां देखो, देखो। आप लोग पीछे। ध्रुव बचपन जीत अच्छा नहीं होता, बता रहा हूं। दरवाजा तोड़ दे बचवा, तोड़ दे दरवाजा। चली तुम यहीं रुको पूर्णिमा, क्योंकि तुम्हारा ना ये रोता हुआ और बेचारा चेहरा देखकर मुझे मुझे बहुत सुकून मिलता है। और रो तुम, रोती रहो पूर्णिमा। और तुम्हें जानना है ना कि बाहर क्या होगा वो मैं तुम्हें यही बताती हूँ। गुरुजी इतने तेजस्वी हैं कि उनके पास खड़े रहकर एक अलग एनर्जी मिलती है। अनमोल, जल के स्थान पर मदिरा, इस भूल के लिए हम आप सबको श्राप देंगे। शीघ्र ही इस घर में बहुत बड़ी विपत्ति का आगमन होगा, इससे बच पाना असंभव होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। ध्रुव भैया कहीं नहीं मिलेंगे, वो तो गए। सुरेश तेरी वाला, जहां से इस घर में दूध आता है वो सिट को जाकर बताएगा कि ध्रुव ये शहर छोड़कर चला गया। जाते जाते ध्रुव ने सुरेश से कहा कि क्या कहा? जो मैंने सिखाया है सुरेश को कहने के लिए वही कहेगा। वो जाते जाते मुझसे कह रहे थे कि जब मैं सवेरे सवेरे आपके घर पर दूध देने आऊं तो आपसे कहूं जो पाप किया है उसे सुधारें। ऐसे कौन से पाप की बात कर रहे थे ध्रुव भैया, बताइए ना। बताइए सिद्धार्थ भैया, किस पाप की बात कर रहे थे ध्रुव भैया? पूर्णिमा उस दिन तुमने बड़ी चालाकी से यहाँ के पड़ोसियों की जगह गांव वाले पड़ोसियों को बुला लिया था। वेरी स्मार्ट हाँ, लेकिन आज
आज यहाँ के पड़ोसियों के सामने कुछ सवाल उठेंगे और थोड़ा सा सच भी सामने आएगा। अरे कहाँ जा रही हो? बाहर सबको ये बताने कि ध्रुव ने सुरेश से कुछ नहीं कहा, वत्सला ने सिखाया है सुरेश को ये सब कुछ बोलने के लिए। अब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि अब तक तो काफी लोगों को ये यकीन हो गया होगा कि सिड ने कुछ तो किया है। और सब लोग सिड से ये भी कह रहे होंगे कि सिड तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तुम्हें करना चाहिए। तो पूर्णिमा, ये थी मेरी पहली जीत। और जिस सिड को तुम देवता बनाकर घूमती रहती हो ना, उस सिड को आज मैंने थोड़ा सा पापी बना दिया। बताइए सिद्धार्थ भैया, आखिर वो किस पाप की बात कर रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है, वो पाप आप की कोई बात नहीं है, छोटा भाई है हमारा, वो थोड़ा गुस्से में कुछ बोल दिया होगा, वो आप फिक्र मत कीजिए। ए दूध बेचता हुआ अच्छा लगता है तू, अब किसी के परिवार में आंतरिक मामले दखल देने जरूरत नहीं है। हम जा रहा हूँ दांगिनी। अरे वो कहा है ना कि छोटा बेटा है ना हमारा, गुस्सा हो गया है तो हम लोग मना लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए जाइए जाइए। इतने इतने टाइम के बाद इतनी जोर जोर से हंसने का मन कर रहा है कि क्या करूं मैं। हम बताता हूँ, आप अभी इसी वक्त इस घर से निकलेंगे। अकेले नहीं निकल रही हूं, मेरे साथ तुम्हारा बच्चा भी निकल रहा है। एक बाप के घर से उसके बच्चे को धक्के मारकर खींचकर निकाला जा रहा है सेठ, वो बच्चा जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। और कितने पाप करोगे सेठ, कितने पाप? मैं जानती हूं कि आप सब लोग मुझसे नाराज हैं, गुस्सा है, दुखी है। और बाबूजी, आपकी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो मुझे ऐसे ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो एक बार तो सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए जो मैं कहना चाहती हूँ, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि आपको मेरे साथ क्या करना है। मैं कोई कचरा नहीं हूं कि जब जिसका मन चाहा उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी कोई वजूद है,
घर के बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। तुम ऐसे सब कुछ बंद नहीं कर सकती, ना हमरा जुबान ना हमरा घर का दरवाजा। अरे मैं कुछ बंद करना नहीं चाहती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद तय कीजिएगा कि मेरे साथ क्या करना सही लग रहा है। क्या कर रही हो ये तुम? ये तीन लाइंस देख रहे हैं आप लोग? ऐसे ही तीन रास्ते हैं आप लोगों के पास। ध्यान से सुनिएगा, ये है पहला रास्ता जो सीधा घर के बाहर जाता है, लेकिन अगर मैंने ये रास्ता चुना और मैं इस रास्ते पर निकली तो सीधा थाने जाऊंगी। और थाने जाकर उनसे ये कहूंगी कि मेरे पेट में इसका बच्चा है। और पूर्णिमा, लास्ट टाइम तो तुम अदालत में जीत गई थी ना, क्योंकि तुम्हारे पास ठोस सबूत था, लेकिन इस बार मैं जीतूंगी क्योंकि इस बार मेरे पास ठोस सबूत है। और इस बार तो तुम्हारे पति को कम से कम 5 साल की सजा तो मिल ही जाएगी। तरुण जी की किस्मत के तार किसी और के साथ जुड़ चुके हैं और वो कोई और नहीं बल्कि हम हैं। हम इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि दिव्यम जी की पत्नी हैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। और इस घर की आधी जायदाद मेरे नाम पर। और घर में रहने की परमिशन, ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अगर इस रास्ते से जाऊंगी तो लौट कर यही आऊंगी ना। बाऊजी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये क्योंकि आप तो दरोगा रह चुके हैं, आपको तो ये कानूनी सारी बातें अच्छे से पता होगी ना? एकदम सही कह रही हो तुम। वो क्या है ना कि तुमसे और कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल सही कहा है, तुम्हें चलना नहीं इस रास्ते पे। तो ठीक है चलो, क्या होगा, मैं जेल जाऊंगा ना, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। कितना गुस्सा करते हो तुम, थोड़ा शांत रहो, ध्यान से सुनो, क्योंकि बात अभी तक खत्म नहीं हुई है मेरी, बात तो अब शुरू होगी। अगर मैं इस रास्ते से गई तो इस घर की बदनामी होगी वो अलग, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम तो जेल चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा घर परिवार और पूर्णिमा छोड़ दोगे उसे? कैसे रहोगे? मतलब तुम तो जेल चले जाओगे और ये लोग बेचारे यहाँ, जरा इन लोगों के बारे में भी सोचो। अब दूसरा रास्ता है ये, अगर बाऊजी मैं गुनेगार हूं तो उतना ही गुनेगार सिद्धार्थ सिंह तुम भी हो।
मुझे इस घर से निकाले जाने की सजा दी जा रही है तो वही सजा सिड को भी मिलनी चाहिए ना। तो बाबूजी आप एक काम कीजिए, मुझे और सिड हम दोनों को साथ में इस घर से बाहर निकाल दीजिए। अब सिड की दुल्हन नहीं बन पाई, ध्रुव जी की दुल्हन नहीं बन पाई, तो कम से कम सिड के साथ बाहर जाकर घर से बाहर भटक तो सकती हूँ। इसलिए मुझे और सिड हम दोनों को साथ में निकाल दीजिए। और ये रहा तुम्हारे दूसरे रास्ते का जवाब। पूर्णिमा को मैं छोड़ ही नहीं सकता, उसे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। ये है तीसरा रास्ता जो सीधा घर के अंदर जाता है। अब आप लोग चाहे जो भी रिश्ते से रखिए, ये नाजायज समझ कर रखिए। लेकिन मुझे इस घर में ही रहने दीजिए। और अगर नहीं रहने देंगे तो भी मैं तो यही रहूंगी, क्योंकि आप लोग जानते हो ना कि मैं कैसी हूं। मतलब मुझे जो चाहिए होता है ना वो मैं पाकर रहती हूं। वत्सला, तुम्हें पूर्णिमा की कसम से, अगर मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए थोड़ी भी फिक्र है, ख्याल है, हमदर्दी है तो यही रुक जाओ। कुछ भी बोलने की और समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाइए वत्सला जी,